कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे TVS स्टार सिटी प्लस के बारे में। तो इस गाड़ी में आपको टोटल दो मॉडल मिलते हैं। एक मिलता है आपका ड्यूल टोन मॉडल, इसमें आपको जो है डिस्क ब्रेक नहीं आएगा, और इसके बाद जो मॉडल आता है उसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। और इस मॉडल की कीमत की अगर अपन बात करें तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में कॉस्ट करता है 85,000 ऑन रोड, जो कि अलग अलग सिटी में अलग अलग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक एक्यूरेट जो प्राइस है वो आपको नहीं दे सकता कि आपकी सिटी में कितना होगा, बट एक आइडिया आप ले सकते हैं। तो सामने से शुरू करते हैं। तो गाड़ी में आपको मिलता है काफ़ी बेहतरीन लुक, इसमें आपको ब्लैक कलर का वाइज़र मिलता है, TVS रिटर्न मिलेगा 3D में। और कलर की अगर अपन बात करें, मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसका कलर लग रहा है, ब्लू और सिल्वर इस कलर का नाम है, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इस गाड़ी का कलर है। मास्क की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कलर ब्लू कलर के साथ साथ ये जो ग्राफिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो ये मैट सिल्वर कलर में जो डिज़ाइन दिए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। उसके बाद देखें यहाँ पर तो सामने आपको मिलता है LED हेडलाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस डिज़ाइन में इंडिकेटर मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दी हुई है। आगे के सस्पेंशन की बात करें तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको जो है सस्पेंशन मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और यहाँ पे आपको मिलते हैं अलॉय व्हील, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और 5-spoke जो अलॉय व्हील है वो आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि आपने स्पोर्ट में देखा होगा वही जो इसमें जो वो है दिया हुआ है। कॉम्बी ब्रेक टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें कि आपको गाड़ी की जो कंट्रोलिंग है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। दोनों आप पीछे वाला ब्रेक लगाएंगे तो आपका आगे और पीछे दोनों जो है साथ में चलेगा, आपने इस चीज़ को देखा होगा। आगे मडगार्ड की बात करें तो ब्लू और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, जो कि आपकी रात में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, साइड से कोई भी गाड़ी आएगी तो ये रिफ्लेक्ट करता है। और टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ट्यूबलेस टायर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और टायर प्रोफाइल की अपन बात करें तो 2x17 की टायर इसमें मिलते हैं, और ट्यूबलेस टायर होने की वजह से गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्वीनियंट मिल जाता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। मतलब गाड़ी अगर पंचर हो जाता है, हल्का सा पंचर उसमें लगता है, तो गाड़ी आपकी पंचर होने के बाद भी जो है चलती रहती है, जो कि आपके ट्यूब वाले टायर में नहीं मिलता है। वो ज़रा सा अगर पंचर हुआ तो आपकी गाड़ी वहीं के भी आपको खड़ी करनी पड़ जाएगी। तो ये कुछ इसके प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा अगर अपन आगे जाएँ साइड में तो इसका टैंक जो है इसमें आपको TVS मिलेगा लिखा, क्योंकि आप को मिलता है क्रोम में, और जो कि आपको 3D एम्बलम में मिलता है। ये आप देख सकते हैं ये उठा हुआ स्टिकर नहीं है, ये 3D एम्बलम इसको बोलते हैं। और टैंक भी देखेंगे तो आपको ग्राफिक्स के साथ साथ मिलता है, और कलर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इसका कलर लग रहा है। मैं आपको फ्लैशलाइट जला के इस कलर को दिखाता हूँ, तो जो छोटे छोटे जो स्पार्कल्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है इसमें लग रहे हैं। और साइड में अगर अपन चले तो यहाँ पे आपको मिलता है ETFI लिखा इको थ्रस्ट, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो ग्रिल टाइप की जो डिज़ाइन है, बॉक्सी डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। स्टार सिटी प्लस यहाँ पे आपको मिलता है, वो भी आपको 3D एम्बलम में रिटर्न मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और ब्लू और सिल्वर अगर आप कलर देखें बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसका कलर। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 110cc का इंजन, जो कि आपको दे देगा 80+ की माइलेज। और यहाँ पे आपको जो है इसके गियर के वो सारी पोजिशनिंग दी हुई है, गियर भी इसमें आपको आगे जो है रबड़ मिलती है, जो कि आपकी अच्छी खासी जो ग्रिप बनती है आपकी, अगर आपके पैर जूते अगर गंदे हो रहे कीचड़ में या फिर इसमें पानी लग रहा है तो भी आपकी अच्छी ग्रिप जो है बन जाती है। तो ब्लैक कलर का जो है इसमें आपको इंजन मिलता है, और ये आप देख लीजिए पूरा इसका तरीके से। साइड इसके चेन कवर की बात करें तो फुल चेन कवर आपको मिलता है ब्लैक कलर में, और कुछ फुटपैक्स आपके इस टाइप के मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो रेड कलर के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आपको जो है एडजस्टेबल मिलेंगे। और साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है सिल्वर के साथ साथ जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है सीट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, सीट भी आपको जो है ड्यूल टोन में मिलती है ब्लैक और सिल्वर कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। प्रीमियम मटेरियल का जो है इसमें यूज़ किया है, कुशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी में। पीछे के हैंडल की बात करें तो ब्लू कलर का इसमें हैंडल मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पीछे यहाँ पे आपको TVS रिटर्न मिलेगा, और ये आप इसकी जो टेल लाइट है वो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पे आपको अलग से लाइट दी बल्ब दिया हुआ है नंबर प्लेट के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा फीचर है। और इंडिकेटर का भी जो है आप एक बार लुक ले लीजिए, ये रियर जो मडगार्ड है पीछे का मडगार्ड, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा रेनी सीज़न में और हर टाइम पर। यहाँ पर आपको चेन का एडजस्टमेंट मिलता है, कुछ इस डिज़ाइन का जो है आपको साइड से देखने को सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
इधर साइड अगर अपन आए तो यहाँ पे आपको मिलता है एग्जॉस्ट सिस्टम जो कि आपको ब्लैक, और उसके साथ साथ जो मफलर है वो आपको क्रोम में मिलता है, और यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर में मिलेगा ब्लैक ब्लैक और क्रोम के साथ। यहाँ पे आपको इको थ्रस्ट की ब्रांडिंग मिलती है, और जो पीछे का जो अलॉय व्हील है उसका भी आप एक बार लुक ले लीजिए, 5 spoke अलॉय। और यहाँ से आप साइड से साइड पैनल पे देखें तो स्टार सिटी प्लस लिखा हुआ मिलेगा, और ये इसका साइड में टैंक का लुक। किक स्टार्ट के साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फ का ऑप्शन भी मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आपकी बैटरी डाउन है तो आप इसको किक का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपका ब्रेक लीवर कुछ इस डिज़ाइन में आएगा। तो ये एक बार आप ऊपर से भी देख लीजिए गाड़ी को, इसकी सीट कितनी ज़्यादा लंबी और कम्फर्टेबल है। अब अगर अपन मीटर की बात करें, मीटर से पहले अगर अपन चाबी देखें तो इसमें आपको जो मिलती है कुछ इस डिज़ाइन की चाबी मिलती है, तो आपको TVS लिखा हुआ मिलेगा। ऐसी दो चाबियां आपको मिलती हैं, और जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा आपको एनिमेशन मिलता है, पूरा जो काटा है सुई जो है इसकी पूरी जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके ये इंडिकेटर की जगह दी हुई है, सारे जो बटन्स हैं यहाँ पर लाइट्स जो है प्रॉपरली दी हुई है, और यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन का जो हज़ार्ड है वो दिया हुआ है। के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है डिजिटल में फ्यूल गेज, जो कि यहाँ पे आपको बताएगा कि कितना जो है आपका फ्यूल बचा है आपके इसमें, और मेन इसमें यहाँ पे ओडोमीटर दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो इकोनॉमी और पावर का जो है यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर्स और हॉर्न मिलता है। हॉर्न का आप आवाज़ सुन के देखिए, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। उसके साथ साथ राइट में अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और थोड़ा सा अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे आपको जो है चार्जर इंस्टॉल करने के लिए जगह दी हुई है, जो कि आप एसेसरी के तौर पे इसको लगवा सकते हैं। टैंक कुछ इस डिज़ाइन में आपको मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो दोस्तों फ्यूल टैंक की बात करें तो टोटल इसमें 10 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, और रिज़र्व आपको 2 से 2.5 लीटर का मिलता है, जो कि आपको परमानेंटली रखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में आपको FI दिया हुआ है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठ के अगर अपन देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जो है गाड़ी मेरे को लग रही है। और हैंडल ग्रिप की बात करें तो ये कुछ इस टाइप का मिलता है, ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और लॉन्ग राइड्स भी अगर आप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अगर अपन पीछे देखें तो ईजिली आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब 3 लोग बैठ के आराम से इस बाइक को जो है राइड कर सकते हैं, और 2 लोग काफ़ी कम्फर्टेबली इसमें जो है बैठ सकते हैं। तो ये रहा कुछ गाड़ी का एक ओवरव्यू। तो दोस्तों कैसा लगा है आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई है तो करिएगा इसको लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।